बीते दिनों के अवकाश के बाद मंगलवार आनंद नगर स्थित कपास मंडी में सफेद सोने कपास की बंपर आवक रही। बड़ी संख्या में किसान बैलगाड़ी और वाहनों से उपज लेकर मंडी पहुंचे थे। सुबह से ही किसानों की मंडी में आने का सिलसिला शुरू हो गया। दोपहर होने के तक जा रहा, हालांकि खरीदी भाव को लेकर किसान मायूस नजर आए। व्यापारियों ने 4,500 से 7,000 के बीच खरीदी की, जबकि किसानों का कहना था कि कम से कम 8,000 रुपए दाम मिलना चाहिए, जिससे लागत मूल्य निकल सके। वहीं व्यापारियों का कहना है कि फिलहाल कपास नमी युक्त आ रहा है, वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मांग कमजोर है, जिससे भावों में फिलहाल उछाल संभव नहीं। मंडी सचिव ने बताया कि मंगलवार को 150 बैलगाड़ी जबकि 875 वाहनों से कपास की आवक हुई है। भावों में भी गत दिनों के मुकाबले अंतर है। फिलहाल मौसम साफ होने से आवक बढ़ गई है। भारतीय न्यूज के लिए खरगोन से रजाक खान की रिपोर्ट। क्या भाव मिले आप? भाव तो मिल रहा है, 5,000 के लगभग मिल रहा, पर जो अगले साल भाव था जो 8,000 का चल रहा था, इस साल भाव नहीं मिल पाया रहा और इससे फसल आदि खत्म हो गई। मतलब 30,000 एकड़ का खर्चा उसमें है, बाकी आधी फसल मिल रही 15,000 मिल रहे ना, इसे हम संतुष्ट तो नहीं है। बाकी खराब आधी फसल खराब हो गई ना, जो 25 क्विंटल निकलता था एक एकड़ में वो 12 भी निकल रहा ना। भाव भी कम मिले, अगले साल 8,000 का चल रहा है, इस साल 5,000 में 3-4 चल रहा है। क्या नाम है आपका? भीम सिंह निंगवाल, रोम सिंह जी। हार्दिक यादव है, मैं ग्राम बहरामपुर टेमा रहता हूँ। आज कपास लेके आया हूँ मैं गांव से मेरे। आज भारी संख्या में वाहन आए, बारिश में भारी नुकसान हुआ हम लोगों को, फिर भी आज मंडी 5-7 हज़ार की चल रही। हमारी मांग है कपास 8,000 से ऊपर बिकना चाहिए, जिससे कि किसान को उनकी लागत और सारी चीजें मिले। बीज भाद के बहुत कर्ज बढ़ चुके हैं और आज आप देख रहे हो कि किस हिसाब से मंडी चल रही है, और मिलना चाहिए किसानों को इससे, और कपास का भाव 8,000 से ऊपर रहना चाहिए। आज क्या भाव बिका आपका? आज मेरा कपास बिका 5,000 का। तो ये माल 8,000 का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुषार यादव है, तुषार बालकृष्ण यादव, मैं टेमा बहरामपुर रहता हूँ। हमारा 4,500 से 7,500 का 7,000 के ऊपर से बिक रहा है, अच्छा कपास है जी। आज भाव कम रहेंगे, इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, आज मॉइस्चर भी काफी है कपास में, है ना, मॉइस्चर काफी होने के कारण जो है तो भाव कम है। हमारे 800 वाहन है, करीब 800-900 वाहन। आगे भाव बढ़ने की उम्मीद है कोई? फिलहाल तो कुछ नहीं, मॉइस्चर आ रहा है ना अभी, और इंटरनेशनल मार्केट डाउन है, कॉटन का मार्केट जो डाउन है, इसी भाव यही भाव चल रहा है, इससे घटने की उम्मीद भी कम है। परमानंद गोयल, 875-80 के करीब वाहन हो गए हैं, अभी आवक जारी है, और 150 से ऊपर बैलगाड़ियां हो गई है, और 2 दिन की छुट्टी के बाद में आवक बढ़ी है, निश्चित आवक बढ़ी है, और भाव भी लास्ट जो पिछले सप्ताह में जो भाव थे 400-500 रुपए का, उसमें भी ग्रोथ हुई है, 7100 तक ऊंचे में बिक रहा है माल, अच्छी क्वालिटी का। बैलगाड़ियाँ सभी बिक चुकी है, और किसानों को हाँ थोड़ा सा लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो वो तो बात है कहीं ना कहीं, फिर भी क्योंकि लास्ट ईयर जो भाव थे 9,000-10,000 वो तो अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। कारण क्या है कि ऊपर भी इसकी डिमांड के ऊपर भाव डिसाइड होते हैं सारी चीजें। आगे क्या उम्मीद है? मौसम अगर यही रहा तो आवक निश्चित तौर से बढ़ेगी, भाव भी इससे थोड़ा सा और तेज होने की उम्मीद कर सकते थे, क्योंकि नमी जहाँ गिरेगी भाव में तेजी स्वाभाविक है, सीधा नमी से इसका कनेक्ट है। लक्ष्मण सिंह ठाकुर, मंडी सचिव, खरगोन। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।